सरों का। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज नवमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की और कन्याओं का पांव पूजन करते हुए तिलक लगाकर विधि विधान से कन्या पूजन किया। इसके साथ ही सीएम अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। बता दें, आज नवमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में जाकर सीएम योगी ने हर बार की तरह पूजा अर्चना की और कन्याओं का पांव पूजन करते हुए तिलक लगाकर विधि विधान से उनका पूजन किया। इसके साथ ही सीएम अन्य कार्यक्रमों में भी आज शामिल हो सकते हैं। पूरे देश में नवरात्रि के नवमी के अवसर पर बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं आज गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है, साथ ही कन्याओं का पांव पूजन करते हुए विधि विधान से पूजन की है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हिमांशु जुड़ेंगे। गोरखनाथ मंदिर में सीएम योगी ने पूजा अर्चना की है, साथ ही कन्या पूजन भी किया है, इसको लेकर क्या अपडेट है? हिमांशु, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उन्होंने आज नवमी के शुभ अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, साथ ही कन्याओं का पांव पूजन करते हुए तिलक लगाकर विधि विधान से पूजन किया। बता दें, हर बार की तरह सीएम योगी गोरखनाथ मंदिर में ही पूजा अर्चना करते हैं और कन्याओं का पूजन करते हैं। दशकों से ये प्रथा चलती आ रही है, चाहे वो उससे पहले सांसद रहे हों या अभी सीएम हैं। लगातार वो नवरात्रि के नवमी के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे गोरखपुर से हिमांशु का। हिमांशु, गोरखपुर में हर बार की तरह सीएम योगी पूजा अर्चना करते हैं, अभी भी उन्होंने पूजा अर्चना की और कर भी रहे हैं, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर?
जी बिल्कुल, बता दे ठीक पीछे हमारे गोरखनाथ मंदिर परिसर में श्री गुरु गोरक्षनाथ की पूजा आराधना कर रहे हैं और विशेष परिधान में इस बार नजर आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप देख सकते हैं कि आज द्विजय दशमी के दिन ही ये नजर आता है। तो नवमी पूजन करने के बाद कन्या पूजन करते हैं, उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ जो है विशेष परिधान में आ जाते हैं। ये नाथ संप्रदाय का विशेष परिधान होता है जिसमें गुरु जो होता है जो यहाँ का पूरी तरह से उसमें पहन करके यहाँ पे पूजा अर्चना करता है और पूरी तरह से टहलता, तो इस गुरु संप्रदाय का जो है पालन करते हैं। और आज जितने भी नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए लोग होंगे, संत होंगे, उनका जो है वो समस्या जानेंगे और उनसे बातें करेंगे और पूरी तरह से यहाँ पे पीठाधीश्वर के रूप में वो बैठते हैं। पीठाधीश्वर का विशेष परिधान होता है, उसको पहन करके दंड अधिकारी के रूप में बैठते हैं और दंड अधिकारी के रूप में वो कार्य करते हैं। हिमांशु, ये पूजा अर्चना योगी आदित्यनाथ की कब तक अभी चलेगी? जी बिल्कुल, नौमी में जो है कन्या पूजन करते हैं और नौ कन्याओं और एक बटुक को भोजन कराते हैं और उसके बाद जो उनका पूजन करते हैं, पैर छूने के बाद जो है वो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम चलता है जहां योगी आदित्यनाथ शस्त्र पूजन करते हैं। और यहां पे आप दिखाते हैं कि तमाम यहां पे छात्र जो यहां पे पढ़ रहे हैं वो भी यहाँ पे जो है पूरी तरह से शस्त्र लेकर बैठे हुए हैं और विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि घंटे घड़ियाल के साथ पूजा आराधना हो रही है, अंदर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ की वो पूजा आराधना करेंगे, उसके बाद शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करेंगे, फिर दंड अधिकारी के रूप में एक दंड लेकर के विशेष परिधान में पूरे गोरखनाथ मंदिर का परिक्रमा करते हैं और सभी साधु संतों से जो है उनकी समस्याएं पूछते हैं और उनका फैसला करते हैं। न्यायाधीश के रूप में एक नजर आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमांशु, नवरात्र में कन्या पूजन को सबसे महत्व माना जाता है, सीएम योगी ने भी कन्या पूजन किया, तो कन्याओं को भेंट के तौर पर उन्होंने क्या दिया? जी बिल्कुल, बता दें कि कन्या पूजन के समय जो है कन्याओं को चुनरी ओढ़ाते हैं, भगवान के रूप में माँ के रूप में उनको माना जाता है, चूंकि बटुक भी वहां पर रहते हैं उनको भी चुनरी ओढ़ाते हैं और साथ में वस्त्र देते हैं और सभी कन्याओं का पैर पूजन किया जाता है, उनको जो है कुछ दक्षिणा दी जाती है द्रव्य रूप में और फलहार दिया जाता है जिसको उसके बाद से उनका जो है एक थाली में जो है रख करके पैर धोते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उसके बाद उस पर चरण स्पर्श करते हैं। सभी कन्याओं का इसी तरीके से चरण स्पर्श करते हैं, चरणों को धोते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। हिमांशु, सीएम योगी आदित्यनाथ का आगे का क्या प्लान है, क्या अभी और भी कुछ कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, इस समय जो है गुरु गोरखनाथ की विशेष पूजा चल रही है और इस समय सीएम योगी आदित्यनाथ जो है दंड अधिकारी के रूप में बैठे हुए हैं और दंड अधिकारी के रूप में वो जो है बैठ करके न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हैं और ठीक पीछे हमारे आप देख सकते हैं गुरु गोरखनाथ का मंदिर है और इसी में वो बैठे हुए हैं और दंड अधिकारी के रूप में। हालांकि कई पब्लिक के लोग भी गए हैं जो अपनी समस्याओं को रखेंगे और इसके बाद से जो है घंटे घड़ियाल के साथ यहाँ पूरा आराधना चल रही है। अब इसके बाद शस्त्र पूजन होगा, विशेष शस्त्र पूजन पूजा आराधना होती है, चूंकि नाथ संप्रदाय का एक मान्यता होती है कि एक हाथ में माला है तो एक हाथ में भाला होता है, चूंकि शस्त्र और शास्त्र दोनों की पूजा करते हैं नाथ संप्रदाय के लोग, तो ऐसे में दंड अधिकारी के रूप में सीएम योगी आदित्यनाथ यहां बैठ करके एक न्यायाधीश का काम कर रहे हैं, दंड अधिकारी काम कर रहे हैं। इसके बाद गुरु गोरखनाथ के मंदिर का जो है पूरा परिक्रमा करेंगे दंड अधिकारी के रूप में और उसके बाद साधु संतों की और जितने भी लोग आए हैं उनकी समस्याओं को सुनेंगे और इसके बाद सही बता दें कि आज उनको रामलीला मैदान जाना है जहां श्री राम की पूजा आरती करेंगे। रथ पे सवार होकर गोरखनाथ से रामलीला मैदान पहुंचते हैं, सबसे पहले वो मानसरोवर मंदिर जाते हैं जहां महादेव की पूजा आराधना करते हैं, इसके बाद रामलीला मैदान पे पहुंच करके श्री राम की पूजा करते हैं। जी हिमांशु, योगी आदित्यनाथ का आगे का क्या प्लान है, क्या वो आज भी गोरखपुर में रुकेंगे या राजधानी के लिए प्रस्थान करेंगे? जी बिल्कुल, आज गोरखपुर में ही उनका रहना होगा और आज ये गोरखनाथ मंदिर में ही उनका प्रवास है, इसके बाद कल ही उनका जो है यहाँ से जाना होगा लखनऊ। जी धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारियों के लिए। इस खबर में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।